केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। सीमा पार प्रेम की कहानियों में एक कड़ी और जुड़ गई है। नई कहानी यह है कि एक दक्षिण कोरियाई युवती किम बोहोनी ने शाहजहांपुर में अपने प्रेमी सुखजीत सिंह से मिलने के लिए महाद्वीपों की यात्रा की है। उनकी प्रेम कहानी 2 साल पहले दक्षिण कोरिया की एक कॉफ़ी शॉप में शुरू हुई थी। कॉफ़ी शॉप में कर्मचारी के रूप में 6 साल बिताने के बाद सुखजीत का जीवन किम के साथ तब जुड़ा जब वह बिलिंग काउंटर अटेंडेंट के रूप में उसी कैफे में काम करने के लिए आने लगी। समय के साथ उनकी दोस्ती प्रेम कहानी में बदल गई, मगर सुखजीत को 6 महीने के लिए भारत लौटना पड़ा। किम को सुखजीत से बिछुड़ने का जब बहुत सताने लगा तो वह एक दोस्त की मदद से दिल्ली पहुंच गई, फिर वहां से शाहजहांपुर चली गई और सुखजीत से मिलने का उसका अरमान पूरा हो गया। बता दें कि सुखजीत सिंह के घर पर भावनात्मक पुनर्मिलन ने उनके परिवारों को खुशियों से भर दिया। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।